गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, लेट्स सी। लास्ट पार्ट 1 में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। देर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू द न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, ओके। आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि जो प्लांट हम खा सकते, जो चीज हम खा सकते हैं, जैसे कि प्लांट के क्या खा सकते हैं, लीव्स इन द फॉर्म ऑफ कोरिएंडर, इन द फॉर्म ऑफ मिंट, राइट। फिर हम क्या खा सकते हैं, प्लांट के स्टेम जैसे शुगर कैन है, राइट। फिर हम क्या खा सकते हैं, प्लांट के रूट जैसे कि बीट रूट है, कैरेट है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वेजिटेटिव, उन सब से हम ग्रो कर सकते हैं नया प्लांट। देर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इन टू द न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अनलाइक इन द मोस्ट एनिमल प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज इन द मेथड सच एज लेयरिंग ऑफ ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर कैन, रोजेस और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ओके। हमें पता है कि रोज को हम कैसे, तो रोज का जो प्लांट है आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, राइट, कि रोज का जो प्लांट है, ओके, उसको आप ऐसे स्टेम में से क्रॉस सेक्शन कट कर लो और फिर उसमें उसको ही आप ऐसे मिट्टी में गाड़ दोगे तो वो ग्रो हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है कि स्टेम से ग्रो हो रहा है। वैसे ब्रायोफाइलम भी आपने पढ़ा है, राइट। ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है, ओके, जो लीव है, ओके, उसके ऊपर क्या होता है, मार्जिन पे ऐसे छोटे छोटे आपको लीव्स मिलेंगे, ओके, और वो लीव्स है वो जाके आगे ग्रोथ होते हैं न्यू प्लांट में, राइट। न्यू प्लांट बनता है, मतलब ब्रायोफाइलम का ही न्यू प्लांट बनता है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। अनदर advantages of vegetative propagation is that all the plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic, okay. Next, similarly buds produced in the notch along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into the new plant, right. जो bryophyllum के ऊपर जो छोटे-छोटे leaves है, right, वही soil के ऊपर गिर जाते हैं और फिर वहीं से न्यू ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है वो ग्रोथ होने लगता है, राइट। तो इसी तरह हमें पता है कि हमने 6th स्टैंडर्ड में पोटैटो का किया था, राइट, कि पोटैटो के ऊपर आपको येलो कलर के ऐसे बल्ब मिलते हैं, ओके। वही अगर आप ग्रो करो तो उसी में से न्यू पोटैटो का प्लांट बन जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट हाइड्रा वाला हमने लास्ट लेक्चर में देखा, पार्ट 1 में, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज टॉपिक इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी आपने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, राइट। ये प्लांट में क्या है कि जो स्पोर्स होते हैं ऐसे हल्के होते हैं, राइट, और वो विंड या फिर वाटर, राइट, या फिर बारिश में क्या होता है, वो ऐसे जो स्पोर्स है वो नीचे गिर के फिर कहीं पे भी पानी के साथ वो चले जाते हैं, हवा के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, राइट, और फिर वो वहीं पे ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। लेट्स रीड देन, कौन सा एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन।
formation is the rhizopus. Okay, even in many a simple multicellular organism, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structure that developed on the brain in activity 8.2 above all the hyoid of the brain mounds, right? उसको क्या बोलते हैं हम लोग rhizopus. They are not reproductive parts. On the other hand, the tiny block on the stick. Okay, ये जो stick है उसके ऊपर ऐसे tiny block होते हैं, right? Which contains cells or spores that can eventually develop into the new rhizopus individuals. The spore मैंने होमवर्क दिया था राइट ओके सो विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू द न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स द स्पोर्स आर कवर्ड बाय द थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो ओके फिर इसमें से ये जो स्पोर्स है ना वो हवा या वहां से जाके नेक्स्ट कहीं जगह पे गिर जाएगा और फिर वहां पे उसको उसका उसके नेचर के हिसाब से मॉइस्ट पानी मिलेगा उसके नेचर के हिसाब से उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो वहां पे ग्रो हो जाएगा. ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल. दिस इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट. हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है उसको हम क्या बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके. द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Varieties.
Each combination would be novel since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such as a process of combining DNA from two different individuals during reproductive, right? तो जो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो सेक्स में से ही डीएनए पास आउट होता है, राइट? या तो उसकी आंखें मदर जैसी होगी, या तो उसकी आंखें फादर जैसी होगी, या उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मदर की जैसा होगा, या फिर राइट तो मतलब कि डीएनए में से जो पास हो रहा है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें से कुछ मदर से होता है या कुछ मेल सेक्स से होता है, राइट? नेक्स्ट, बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टीज if each new generation is to be the combination of DNA copy from the two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. How many ways can we think of the solving this difficulty? We have seen earlier that an organism become more complex. The specialization of tissue increase. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above in have specific lineages of the cells in specialized organelles in which only half of the number of chromosomes and the half of the amount of DNA compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by the process of cell division during sexual reproduction to form the new individual. It result in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. If the zygote is to grow, the developed into organisms which has highly specialized tissue and organisms, right? We know very well, zygote जब produce होता है उसके उसके बाद फिर highly specialized tissue, right? जाइगोट का जब मेल मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट में एंटर होता है, राइट, तो वो एक जाइगोट क्रिएट करता है, ओके? और फिर जाइगोट के अंदर जो भी फॉल्टस है, राइट, उसका ग्रोथ कैसा होता है, पर्टिकुलर टिश्यूज में होता है, पर्टिकुलर ग्रोथ में होता है, राइट? कुछ मंथ के बाद उसकी आइज के टिश्यूज पर्टिकुलर डेवलप होने लगते हैं, कुछ मंथ के बाद उसकी हार्ट बीट पर्टिकुलरली होने लगते हैं, कुछ मंथ के बाद, राइट? Next, in the zygote, it is grow and develop into the organism which has highly specialized tissue and organ. Then it has to have sufficient stored of energy of doing this. In every simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from the another, or may even be similar. But as the body design become more complex, the germ cells also specialize. Okay. Next is sexual reproduction in flowering plant. Okay, ये आपने already 6th standard, 7th standard और 9th में भी थोड़ा आया था. Okay, flowering plant. See, हमें पता है सबसे पहले तो जो flower है, okay? तो flower में एक तो होता है स्टेमेन, राइट? स्टेमेन, तो स्टेमेन क्या है? स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. एंड पिस्टिल क्या है? पिस्टिल क्या है, राइट? दिस इज द फीमेल, यस, पिस्टिल इज द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन, राइट? तो मेल स्टेमेन में क्या होता है? सी, ऐसे याद रखो, एम ई एन मतलब मेल है, तो वो मेल पार्ट है, और ये पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है, राइट? स्टेमेन में ऊपर वाला पार्ट इज एंथर, दिस इज द फिलामेंट, ओके? एंड पिस्टिल में क्या होता है? पिस्टिल में क्या क्या चीजें होती है? स्टिग्मा, राइट? स्टिग्मा, स्टाइल, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ओके? ऐसे जो यहाँ पे स्वॉलन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी, राइट? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके? ओवरी के अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप के होते हैं, राइट? बल्ब टाइप के होते हैं, ओव्यूम, ओके? तो ये हुआ फीमेल पार्ट पूरा पिस्टिल, और ये हुआ स्टेमेन इज द मेल पार्ट, राइट? होता क्या है, ये जो एंथर है
ओके वो जब हवा या फिर कोई इंसेक्ट या उसकी वजह से ये जो एंथर है वो उड़ के यहाँ पे आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर, राइट, एंड देन इट विल एंटर फ्रॉम द स्टाइल टू ओवरी, ओके, एंड ओवरी में जाके वो मेल मेल गैमेट के साथ वो फ्यूज होगा एंड वहां से ही न्यू फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. तो दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन इन फ्लावर. ओके सो कीप गोइंग. तो जर्मिनेशन पोलन ग्रेन इन द स्टिग्मा कैसे होता है, तो हमें पता है कि ये स्टिग्मा है, राइट, ये स्टाइल है स्टिग्मा. जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इन स्टिग्मा. ओके यहाँ पे ओवरी है. तो ये कैसे होता है, तो या तो कोई इंसेक्ट यहाँ पे आया और वो वहां पे लेके गया, या तो
तो हवा बहुत जोर से आई और वो पोलन को यहाँ से यहाँ दूसरे फ्लावर पे लेके गया या उसी फ्लावर पे फीमेल पे लेके गया। तीसरा क्या है कि वाटर, अगर वो प्लांट है वो पानी के नजदीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आई राइट, तो वो पानी से वो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होगा। ओके, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल व्हिच आर इन द ओवरी। फॉर दिस द ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल थ्रू द स्टाइल टू रीच टू द ओवरी राइट। आपकी बुक में भी दिखाया है और मैंने अभी ड्रॉ करके बताया कि वो कहां से कहां ट्रैवल करता है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जाता है, फिर पोलन ट्यूब के अंदर से जाके ओवरी में जाके फिर फीमेल जर्म सेल में एंटर होता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब वो एंटर होने के बाद फ्यूज हो जाता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओके, द ओव्यूल डेवलप्स अ टॉप कॉट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन टू द सीड। और फिर ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेंस टू फॉर्म द फ्रूट। और फिर वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली फिर वो सीड बन के वो फ्रूट बन जाएगा राइट। Meanwhile, the petals, sepals, and stamens, style and stigma may shrivel and fall off. Have you ever observed any flower parts still bursting in the fruits? Try and work out the advantages of seed formation of the plant. The seed contains future plant on embryo, which develops into seedling under appropriate condition. The process is known as जर्मिनेशन राइट। उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाती है और इसमें से वो ग्रो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इज ह्यूमन बींग। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक वॉज स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रपोगेशन का हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा कि उसके जो टाइनी बॉक्स होते हैं राइट, वो हवा से या कहीं से वो दूसरी जगह जाके वहाँ से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है राइट, कि हमने आज तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ते आए थे जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो सेक्स की ज़रूरत है, मेल एंड फीमेल राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा, 8th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा हुआ है वही है। ओके, कि उसमें क्या होता है कि फ्लावर में जो पेटल्स है उसके बीच में ऐसे आपको लाइन पतला सा एकदम सेंसिटिव पार्ट दिखेगा राइट। उसमें जो एंथर है फिलामेंट है राइट, वो क्या है, स्टैमेन पार्ट मेल का पार्ट है और दूसरा जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है राइट। ओके, तो फिर हमने उसको डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ये जो तीन डायग्राम है वो आप लोग ड्रॉ कर लेना, एक तो ये डायग्राम है फिर ये डायग्राम जो मैंने बोर्ड पे किया था ना वो। ओके, थैंक यू एवरीवन।